द फैमिली मैन के नए सीजन की अनाउंसमेंट अमेज़न प्राइम वीडियो ने ऑफिशियली तौर पर कर दी है। लोगों को इसका लंबे समय से इंतजार है। इसे 4 जून 2021 को ऑफिशियली तौर पर रिलीज किया जा रहा है। अमेज़न प्राइम वीडियो ने इसका एक धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया जो देश के सबसे प्यारी फैमिली मैन उफ श्रीकांत तिवारी की वापसी दर्शाता है। श्रीकांत का कैरेक्टर जाने माने बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी निभा रहे हैं। अब इसे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं ट्रेलर को। इस सीजन में श्रीकांत तिवारी का सामना राजी नाम के एक नए पावरफुल और क्रूर विरोधी से होगा जिसे साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा एक्ने निभा रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो जिस तरह से ट्रेलर पेश किया गया है हमें, जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि फिल्म रोमांचक ट्विस्ट और इस सीरीज में भर भर के हमें एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। श्रीकांत की दो दुनिया एक साथ बहुत आकर्षक लगने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो दी फैमिली मैन का नया सीजन भी टाइप के दर्शकों को लुभाने वाला है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखते हैं तो इसमें शुरू से ही पूरी कहानी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। मिनिमम गाय के रूप में नजर आ रहे श्रीकांत एक बड़े ऑफिस में काफी सामान्य व्यवहार करते नजर आते हैं, लेकिन उनके चेहरे से पता चल जाता है कि वो एक फ्रेम के साथ अनेक घटनाओं की व्यू रचना कर रहे हैं। इसमें परिवार भी नजर आता है, उनकी जिम्मेदारियां भी साफ साफ दिखती हैं, और फिर तनाव के बीच प्रकट होता जेके और उसका पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है। एक्शन और सीन और डायलॉग्स गवाही दे रहे हैं कि इस नए सीजन में बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। सबसे बड़ा धमाका है कि इस फिल्म से साउथ की सुपरस्टार सामंथा डिजिटल डेब्यू कर रही हैं। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। दोस्तों अगर आप तनाव के बीच में कुछ बढ़िया इंतजार कर रहे हैं तो 4 जून की तारीख डायरी में नोट कर ले या फिर मोबाइल या फिर कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि दी फैमिली मैन दस्तक देने जा रही है और सभी को हिला कर रख देगी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।